अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब लोग कैसे हो? और आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी पुदीना चटनी मैं कैसे बनाती हूँ। ये देखो, मैं दो तीन दिन हो गया बाज़ार से लेके आई थी पुदीना, तो मैं भूल गई उसको बनाना और मुझे याद आया तो ये मैं तो पुदीना लेके आई थी बाज़ार से, तो सोचा चटनी बना लूँ। तो जाके देखा पूरा ख़राब है, ये देखो पूरा ख़राब हो चुका है। तो आज दिखाती हूँ मैं कैसे पुदीना चटनी बनाती हूँ आप लोग को। जो कुछ कुछ पत्ते अच्छा है वही पत्ते ले लूँगी, बाकी तो देखो ख़राब हो चुका है। और वो दाल है, मैं जाके उसको उगाऊँगी और सोचा चटनी बना के देखती हूँ और मेरा छोटा मोटा ब्लॉग भी हो जाएगा आज, आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। देखो मुझे इतना मिला है तो काफ़ी है मेरे लिए। इसको अच्छा से धो लूँगी साफ़ करके। इसके अंदर अभी भी जो ब्लैक ब्लैक है देखो, इसको अच्छा से साफ़ करना पड़ेगा। और ये देखो, इसको जाके मैं अभी उगाऊँगी। देखो चलो दिखाती हूँ मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे उगाती हूँ इसको। ये देखो, यहाँ मिट्टी का गमला रखा है तो यहाँ उगाऊंगी मैं, दिखाऊंगी दिखाती हूँ आप लोग को कैसे। देखा इसको, देखा इसको, देखो इसे उगाती हूँ। और ये देखो बनाना का ट्री, ये और थोड़ा बड़ा होगा ना, इसका जगह चेंज कर लूँगी, दूसरे जगह पे लेके जाऊँगी। पता नहीं इसका कहाँ से बीज गिरा है केला का। देखो ऐसे उगाया, पता है पहले मेरे पास पुदीने का पूरा बगान था, पूरा बगान, क्या बताऊँ इतना सारा पुदीने था मेरे पास। और क्या हुआ, पिछले साल फ्लड आया ना, फ्लड की वजह से और सब मर गई थी, मुझे बहुत दुख हुआ था। मेरा इतना सारा पुदीने के घास सब मर गई, कितना सारा फ्लावर का पौधे सब ख़राब हो गया। इस बार तो सोचा मैं कुछ नहीं उगाऊंगी, और क्योंकि हर साल फ्लड होती है ना यहाँ पे, तो इसलिए फ्लाद की वजह से सब मर जाते हैं। ये देखो, पता नहीं ये बचेगा या नहीं, तो ऐसा नहीं बच जाएगा शायद। पहले भी मैंने बोली थी ना, मेरे पास पूरा बगान था इसका पुदीने का, वो भी बाज़ार से लेके आई थी, तो उसका जो जड़ होते हैं ना वो मैंने लगाया था, तो ऐसे ही लगाया था। बाद में तो मैंने उसको नर्सरी करते करते मतलब पूरा बगान ही बना दिया। और यहाँ देखो, वहाँ का काम ख़त्म करके यहाँ भी कुछ फ्लावर का पौधे मैंने लगाया है। ये देखो, ये देखो यहाँ भी कुछ एक मतलब दूसरा पौधे से यहाँ पे ट्रांसफ़र किया मैंने, यहाँ से यहाँ लेके गई और यहाँ। अरे इसको इधर रख देती हूँ चाय पर। ये देखो यहाँ पे कुछ, मुझे बहुत शौक़ है फ्लावर का पौधे लगाना, मेरा ऐसा है मतलब बगान हो मेरा फ्लावर का, तो गार्डन हो मुझे बहुत पसंद आती है। ये देखो, ये देखो, ये क्या पता है, कितना खुशबू है, लेमन ग्रास है ये। ये फ्लावर देखो इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है ये फ्लावर। तो अभी मैं पुदीना चटनी के लिए थोड़े कुछ मैंगो लेके आती हूँ, आज मैं बनाऊँगी मैंगो के साथ, कच्चा मैंगो होते हैं ना वो, तो दिखाती हूँ मैं जाके आप लोग को। ये देखो मैंगो का ट्री है, कितना सारा मैंगो है, देखा
पेपरिका। ये एक्चुअली हम लोग का नहीं है, ये जो बड़े भैया है ना उनका है। तो ये देखो बाउंड्री वॉल है ये, तो नीचे तो कोई मैंगो गिरा हुआ नहीं है, लेकिन क्या करें, लगता है एक तोड़ना पड़ेगा, ले बोलना पड़ेगा उन लोगों को। वैसे बिना बोल के दूसरों का पैरों से आम तोड़ना भी सही नहीं होता है ना, तो एक बोल के एक तोड़ लेती हूँ मैं। तो ये देखो गाइस, मैंने एक तोड़ा है, भाभी को बोल के मैंने इसको तोड़ा। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए था, मुझे एक ही चाहिए, तो एक ही काफ़ी है। तो चलो आओ हमारे घर पे दिखाते हैं मैं कैसे बनाती हूँ पुदीना चटनी। यहाँ देखो मैंने आम काट के, पुदीना धो के और लहसुन छिल के रख दिया है। अभी एक चीज़ का कमी है, वो है मिर्च और ग्रीन चिली। तो चलो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को एक चीज़। ये देखो गाइस मेरा ग्रीन चिली का पेड़, तो अभी मैं ग्रीन चिली कुछ तोड़ती हूँ। देखा ये बहुत तीखा है, बहुत ज़्यादा। ये देखो मुझे चटनी पे तीखा वाला मिर्च चाहिए था, तो वो मेरे पास तो है तीखा वाला मिर्च। ये देखो देखो माशाल्लाह कितना सुंदर है ना, और देखो माशाल्लाह कितना है, और भी है देखो, छोटा छोटा अभी आ भी रहा है, ये देखो बड़ा हो रहा है ये। चलो इतना काफ़ी है, बहुत तीखा है, मेरे को तीखा चाहिए था चटनी में, और तीखा वाला पुदीना चटनी बनाती है। चलो तो गाइस ये देखो मैंने यहाँ रेडी करके रखा है, अभी जाके मैं नहाऊंगी, उसके बाद आके नमाज़ पढ़ूंगी, उसके बाद मैं चटनी बनाऊंगी, और बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे, तो जल्दी जल्दी नहा के नमाज़ पढ़ के मैं चटनी बना के रेडी करके रखती हूँ। वैसे तो मैं खाना बना लिया था, तो मुझे खाना बनाते बनाते याद आ गया मैंने पुदीना लेके आई थी बाज़ार से, तो सोचा बना लो चटनी। तो जाके देखा तो पूरा पुदीना ख़राब हो गया है, तो जितना अच्छा है वो ले लिया मैंने, बाकी तो दिखाया आप लोगों को, उगाया मैंने जाके, तो जो भी है। तो चलो बाय बाय, अभी मैं जाके नहा के नमाज़ पढ़ के आती हूँ बनाती हूँ। तो गाइस मैं आ गई नमाज़ पढ़ के, तो अभी बनाते हैं। चलो पहले मैंगो मैं सभी दे दूंगी, क्योंकि मुझे खट्टा चाहिए, और लहसुन और मिर्च। पुदीना नमक देखते हैं अभी। ओ वाओ, ये देखो भी एक छोटा सा बाउल पे लेते हैं। ये देखो मेरा पुदीना चटनी,
इसको दाल चावल के साथ खाने में बहुत मज़ा आएगा। इतना टेस्टी है, क्या बताओ। खट्टा भी है, पुदीना का फ्लेवर भी है, थोड़ा लहसुन का भी है, बहुत टेस्टी है। तो चलो गाइस, बाय बाय। मेरा ब्लॉग इतना ही, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, शेयर करना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ सबको।